हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से बात की है और बीजेपी के उन नेताओं पर निशाना साधा है जो उन्हें वोट कटवा कह रहे हैं। चिराग ने कहा कि ऐसा कहना उनके पिता रामविलास पासवान का अपमान है। चिराग ने बीजेपी के नेताओं को चुनौती दी कि बीजेपी के नेता ये तो बोलकर दिखाएं कि अलग एनडीए को बिहार में बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए एलजेपी का साथ नहीं लेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। तो वोट कटवा कहने वाले बीजेपी नेताओं पर बरसे चिराग। चिराग पासवान मेरे साथ हैं। चिराग, आप एक बहुत ही इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बिहार में चुनाव का माहौल है और आपकी पार्टी लड़ रही है चुनाव। हम तमाम राजनीतिक सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि चिराग पासवान अब प्रचार में कब से उतरेंगे, क्योंकि आप अपने पिताजी के क्रियाकर्म में लगे हैं। कब से आप पूर्ण रूप से प्रचार में उतरेंगे जमीन पर? दो दिन के बाद। दो दिन का कार्य और बाकी है, जो विधि विधान है। आज नकबाल की रस्म थी और उसके बाद कल पिताजी को उनकी अस्थियों को लेकर अपने पैतृक गांव जाऊंगा, और उसके बाद परसों पगड़बंदी की एक रस्म होती है, और उसके बाद 21 तारीख से पूरी तरीके से जनता के बीच में। ठीक है। अब तक जो चुनावी माहौल आप देख रहे हैं बिहार में, सब कुछ आप जानते हैं, सबसे ज्यादा दिलचस्पी आपकी पार्टी की वजह से इस चुनाव में पैदा हो गई है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, चुनाव मुझे लगता है एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये मुझे लगता है आने वाले दशकों तक इस चुनाव को कहीं ना कहीं पैरामीटर माना जाएगा, मापदंड के तौर पर उदाहरण इस चुनाव का दिया जाएगा। बट हाँ, चुनाव रोचक जरूर है, पर इसके परिणाम को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ। मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः 10 नवंबर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नहीं है। और 10 नवंबर के बाद भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में एक डबल इंजन सरकार, जहां केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, वैसे ही प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी, इस बात पे भी मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन चिराग, मैं इसी बात पर तो आना चाह रहा था। आप कह रहे हैं ये बात, लेकिन बीजेपी तो बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और गठबंधन इंटैक्ट है, नीतीश चेहरा है और नीतीश ही चेहरा रहेंगे। फिर जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत अजीब सी लगती है। भाई, संख्या भी आनी चाहिए ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए संख्या आनी चाहिए। और आप सब क्षेत्र में घूम रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, मुझे क्या आक्रोश नहीं है? जनता के प्रति मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर क्या नाराजगी नहीं है? क्या जनता बदलाव नहीं चाह रही है? क्या वो 15 साल के इनके शासन कुशासन जो भी इन्होंने किया, क्या उससे वो त्राही त्राही नहीं कर रही है? तो जब इनके पास संख्या ही नहीं आएगी तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? और अगर संख्या कम आती है, मैंने सुना सुशील मोदी जी का वो बयान जिसमें निरंतरता में उन्होंने कई बार रिपीट किया, मुख्यमंत्री ने कहा भी कि भाई और क्लियर कर दीजिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियर किया कि संख्या कितनी भी हो, मुख्यमंत्री यही होंगे, संख्या कितनी भी हो, पर संख्या इतनी भी कम नहीं हो सकती ना कि अगर आपका खाता ही ना खुले या आप दहाई का आंकड़ा ही अगर आप पार ना कर पाए। जेडीयू के लिए कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा भी जेडीयू पार नहीं कर पाएगी? बिल्कुल, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि आक्रोश नीतीश कुमार को लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात बीजेपी क्यों नहीं समझ रही, बीजेपी के नेता क्यों नहीं समझ रहे? मैं समझ रहा हूं एक चीज, क्योंकि मुझे अभी लंबा राजनीतिक भविष्य है, मेरा 40 साल 50 साल की राजनीति मुझे अभी आगे करनी है। मैंने ये चीज सीखी है कि एक बार जिसके साथ आपने साथ देने का वादा किया, परिस्थिति कैसी भी हो, मुख्यमंत्री भले आज कितने ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई हो, आक्रोश जनता में उनको लेकर, पर भाजपा ने उनका साथ नहीं छोड़ा, ये सीखने वाली बात है। ये होता है कि जब आपने किसी का साथ दिया, भले वो बुरे दौर से गुजर रहा हो, आप उनका हाथ पकड़कर आप चल रहे हो। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को रोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करना चाहिए कि इतने कठिन दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ना सिर्फ साथ नहीं छोड़ा बल्कि रोज उनको प्रमाण भी देते हैं कि वो भाजपा की वो चिराग के विरोध में है, कि उनका चिराग से कुछ लेना देना नहीं। रोज आपको ये सब देखकर कैसा लगता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, नेगेटिव पॉलिटिक्स का मैं कभी पक्षधर रहा नहीं, नकारात्मक राजनीति मैं करता नहीं, सकारात्मक मेरा एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, उसी को लेकर मैं जनता के बीच में। मैं मुख्यमंत्री जी की तरह पिछले 15 साल को दिखाकर अपनी लकीर बड़ी नहीं करूंगा, मैं अपनी लकीर को इतनी बड़ी करना चाहता हूं कि भविष्य में। पर हां, जो आपने कहा कि उसको देखकर आपको कैसा लगता है, दुख जरूर होता है मुझे मेरे पापा के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग, ये वही नेता हैं, ये वही उनके सहयोगी हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, जो अभी कुछ दिनों पहले तक मंत्रिमंडल में उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे।
किसी को संतोष करने के लिए, और आप कीजिए संतोष, मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता, आप गठबंधन धर्म निभाइए, धर्म संकट में मत पड़िए, चिराग पासवान को जितना कुछ बोलना है आप बोलिए, पर कम से कम शब्दों का चयन ठीक कीजिए। की बात आप नहीं, मैं तमाम नेताओं की जो वोट कटवा का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का, ये आप उस नेता की पार्टी के लिए कह रहे हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक आपके सहयोगी थे, अभी कुछ दिन भी नहीं बीते, वो यादें ताज़ा हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ट्वीट के पेजेस में वो फ्रंट पेज पे आपको वो ट्वीट दिखेंगे जो उन्होंने टैग किए हैं मुझे या पापा को, जिसमें पापा के बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, और आज उन्हीं की बनाई पार्टी को। बीजेपी नेताओं ने जो LJP को वोट कटवा कहा, वो रामविलास पासवान जी का अपमान है। बिल्कुल अपमान है, खुश तो नहीं होंगे ना पापा ये सुन के। देखिए पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, पापा ने हमेशा बताया कि पार्टी आपकी माँ की तरह होती है, और कोई अगर आपकी माँ को अगर इस तरीके से बोले आपको दुख होगा, और एक ऐसे समय में बोले जब पापा का निधन अभी हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी भाई। मैं नहीं लगा रहा प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, मैं नहीं कह रहा कुछ, पर ऐसा भी क्या मुख्यमंत्री जी को संतोष करना कि आप शब्दों की मर्यादा ही आप भूल जाए। आप कह रहे ना कि प्रधानमंत्री आपके राम है, वो आपके हृदय में है, आप उनके हनुमान हैं, क्या क्या कहा आपने एक बार बताइए। मेरी आस्था को कौन रोक सकता है, मैं हूं उनका हनुमान, मेरे दिल में बसते हैं, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उनको साथ में लगाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी को साथ में लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनसे उनके दिल का रिश्ता नहीं है, उनके विचार नहीं मिलते। तो जब ये बात आप कहते हैं, इसी बात से तो बीजेपी नेताओं को लगता है कि ये बात वोटरों तक पहुंचेगी, वोटर कंफ्यूज होंगे, वोट कटेगा, तो जाहिर सी बात उनका वोट कटेगा, वो आपको वोट कटवा कहेंगे। दो चीज मुझे बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे जिंदगी के, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कठिन दौर मेरे जीवन में कभी और आएगा, जो व्यक्ति मेरे साथ दिन रात खड़े रहे, पापा जब अस्पताल में थे कोई नहीं था मेरे साथ, मुख्यमंत्री को तो उनकी तबीयत की जानकारी तक नहीं थी, उस वक्त यही प्रधानमंत्री थे जो दिन में दो दो बार मुझे फोन करते थे, पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद दूसरे ही ऐसे नेता हैं जिनको इस तरीके का मिलिट्री ऑनर मिला, तो मैं क्या जस्ट बिकॉज की मैंने अपनी राह अलग कर ली क्या मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो जाऊं, क्या मैं भूल जाऊं वो सारी बातें जो उन्होंने मुझे फोन कर करके मेरे हिम्मत बांधने के लिए मेरे कंधे पर इतनी देर तक हाथ रखकर मुझे गले लगाकर जो उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं सारी बातें भूल जाऊं। और क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मुख्यमंत्री जी का दबाव इतना है कि मैं हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करने लग जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि भैया विपक्ष के लोग भी मेरे प्रधानमंत्री की तारीफ करें, और यहां पे ये लोग चाहते हैं कि मैं अपने ही प्रधानमंत्री की बुराई करूं, क्यों करूं मैं। और जहां तक रही उनका नाम लेने की, कौन ले रहा आप मुझे बताइए ना, कहां लगी उनकी तस्वीर, मेरा मैनिफेस्टो अभी मैं कल परसों में रिलीज करूंगा, कहां है उनकी तस्वीर, मेरे कौन से होर्डिंग बैनर पोस्टर कहां पर है। कोई नेता आपके जो है वो नारा भी लगा रहे हैं और फोटो भी लगा रहे हैं, इसलिए नहीं फोटो नहीं लग रही है, फोटो आप मुझे प्रमाणित कर दीजिए, मैं तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, फोटो कहीं नहीं लग रही। एक फोटो मेरे सामने भी आई थी, उसकी मैंने जांच करवाई, वो फेक थी, उसको मैंने टेस्ट में गया के उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं। हाँ, वहीं किसी एक उम्मीदवार की आई थी, वो मैंने टेस्ट करवा ली थी, वो फेक थी। बट उसके बाद भी मैं बोलता हूँ, मैं आप ही को नहीं, मैं भाजपा के भी नेताओं को बोलता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, हो सकता है किसी प्रखंड में कोई ऐसा होर्डिंग लग गया हो, किसी पंचायत में कोई ऐसी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। रेणुका देवी जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसको आप भी चेक करवा लीजिए, ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपका उम्मीदवार PM की फोटो लगाएगा भाई, मैं कर लूंगा कार्रवाई, अगर इतनी ही नाराजगी है, लोग अगर इतना ही चाहते हैं, मेरी तो समझ के परे ये अजीब परिस्थिति है, जहां देश के लोगों को प्रधानमंत्री जी का गुणगान गाते नहीं थकना चाहिए, यहां मुख्यमंत्री ने ऐसी परिस्थिति। प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या अपेक्षा है? आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक दोस्त, माफ कीजिए, एक पासवान जी के एक साथी थे, वो एक साथी का फर्ज उन्होंने निभाया और साथी के बेटे के साथ खड़े रहे एक सबसे अहम वक्त में, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इसको याद किया है और राजनीति से ऊपर उठ करके इसको रिकॉल कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन प्रधानमंत्री से आपकी अब क्या अपेक्षा है जब आपके साथ आपके पिता का साथ नहीं है? भाई मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, और बल्कि आपके माध्यम से पता है मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी को किसी बात के लिए मैं बोलूं, पर मैं भाजपा के तमाम नेताओं को, सबको मैं अपनी तरफ से मैं स्वतंत्र करना चाहता हूं कि आप खोलकर चिराग पासवान का विरोध कीजिए। आप मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए जितना आपको बोलने की जरूरत है, बस शब्दों की मर्यादा जरूर रखिएगा। दुख होता है मुझे, पापा की बनाई हुई पार्टी है, मेरे बारे में तो आप व्यक्तिगत भी बोलेंगे कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी पार्टी को लेकर मैं हूं इमोशनल, पापा को लेकर तो इस समय तो बहुत ज्यादा हूँ, उनके और पार्टी के बारे में कुछ नहीं। मेरी नीतियों का विरोध कीजिए, बोले कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है, बोले कि चिराग पासवान अमर्यादित व्यक्ति है, चिराग पासवान के अंदर संस्कार नहीं है, मेरे ऊपर जितनी टिप्पणी आपको करनी है आप कीजिए, मेरे ऊपर जितना मेरा विरोध करना, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी किसी धर्म संकट में नहीं रहे, उनकी अभी रैली होने वाली है, और मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे प्रधानमंत्री को अगर उस मन से भी, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ, क्यों प्रधानमंत्री जी मेरा नाम लेंगे, बट अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए अगर मेरा नाम लेकर मेरा विरोध करने की भी जरूरत है, तो उस विरोध को भी दर्ज कराएं ताकि मुख्यमंत्री जी संतुष्ट रहें। तो लेकिन अगर प्रचार अच्छा हुआ बीजेपी और JDU का,
मुख्यमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की, तो फिर आप जो कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने की, वो तो कामयाब है? भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, हम लोग क्यों जनता की बुद्धि विवेक को चुनौती? कॉन्फिडेंट है? 200% कॉन्फिडेंट हूँ। मेरी राह गलत है क्या? बताइए, क्या मुख्यमंत्री की नाराजगी नहीं है? क्या आक्रोश नहीं है? क्या कोरोना में उनको जितना करना चाहिए था उन्होंने किया? क्या उनका ये कहना कि आज भी यहाँ पे अस्पताल नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री तो आप हैं, 143 सीटों पे लड़ रहे हैं चिराग, आप अपने से तो आप सरकार बनाने नहीं जा रहे, और आप जिनके साथ लेने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं है, तो ये कैसी दो ना भाई? चुनाव के बाद देखते हैं ना, भाजपा के नेता से कहलवा दीजिए ना, फिर बोल दीजिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, चुनाव के बाद अगर भाजपा और जदयू के अगर आंकड़े नहीं होते हैं, सरकार अगर उनकी नहीं बनती है, तो वो चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों का समर्थन नहीं लेंगे, बोल दीजिए, फिर मेरी भी लाइन क्लियर हो जाएगी, फिर मैं भी सोचूंगा। और मैं वैसे भी, मैं कहां भाजपा के भरोसे मैं जा रहा हूं? मैं चाहता हूं कि भाजपा लोजपा सरकार बने, भाजपा के नेतृत्व में बने, पर मैं लड़ाई तो अपनी अलग लड़ रहा हूं ना, मैं भाजपा के नेताओं से कोई अपेक्षा नहीं रख रहा, मैं किसी से नहीं रख रहा। मैं रणभूमि में, और पापा बोलते हैं इस बात को कि शेर का बच्चा होगा तो अकेला जंगल चीर कर आएगा, गीदड़ होगा तो वहीं पर मरा जाएगा। शेर का बच्चा हूं, जंगल चीरने निकला हूं, चीर के ही आऊंगा। एक आखिरी में 2-3 सवाल और चिराग, ये बताइए कि आप कुछ बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं खुलकर, जैसे जमुई श्रेष्ठी सिंह है, आपने ट्वीट किया। मैं कुछ का नहीं, मैं सबका कर रहा हूं, सारे बीजेपी उम्मीदवार सारे, और एक एक करके मैं कुछ के खिलाफ आप लड़ भी रहे हैं। हाँ, सिर्फ 5 ऐसी सीटें हैं, उन 5 सीटों को छोड़कर, और वो 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मेरी मजबूरी थी, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता पुराने साथी तैयारी कर रखी है उन्होंने, उनको लड़ाना मेरी मजबूरी थी। 2 तो मेरे सिटिंग ही है, गोविंदगंज से हम राजू तिवारी जी हों या लालगंज से राजकुमार शाह जी हों, तो वहां पे मेरी मजबूरी जरूर थी। वहां पर छोड़कर हर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा। केवल शेरसी सिंह नहीं, सभी उम्मीदवार। शेरसी तो मेरी छोटी बहन है, उनसे तो मेरे पारिवारिक व्यक्ति का संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए पहला ट्वीट मैंने उन्हीं के नाम से किया, बट इसके बाद आप निरंतरता में रोज ट्वीट देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में। अब क्या समर्थन भी नहीं दूं क्या? इस पर भी नाराजगी होगी, मेरे समर्थन से भी ऐतराज होगा।